और 26 तारीख को ऐसी घटना घटित होती है देर रात को, जिसके बाद क्राइम पेट्रोल जैसी वारदात याद आने लगती है। मामला कहीं और का नहीं, बाराबंकी जिले के भैया देखा तो गुंगटेर थाना क्षेत्र का है। आखिरकार इतना प्यार करने वाला पति कसाई कैसे बन गया? देर रात को ऐसा क्या हो गया कि पति फावड़ा उठा करके पत्नी पर हमला कर देता है? जो पत्नी अपने पति को इतना प्यार करती थी, जो पति अपनी पत्नी को सीतापुर से बाराबंकी ले आया था, वो पति आखिरकार इतना कसाई क्यों बन गया? शादी के 3 साल हो गए थे, एक भी संतान नहीं, ऐसा क्या हो गया कि पति रातों रात हमला कर देता है? यह कोई क्राइम पेट्रोल जैसी वारदात नहीं, यह हकीकत की वारदात है। आपको याद होगा कि यह मामला बाराबंकी जिले के घुंगटेर थाना क्षेत्र का है, जहां पर सीतापुर के रहने वाले दंपत्ति बाराबंकी जिले के घुंगटेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही भैया बड्डूपुरवा को गांव पर जाते हैं, जहां पर मीना भट्टा वाला है। वहीं पर ये लोग काम क्या करते थे, छोटी सी झोपड़ी पर बना रखे थे घर टाइप का, वहीं पर ये लोग रहा करते थे। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। 3 साल पहले ही मोतीलाल की शादी रजनीश के साथ हुई थी। मोतीलाल रजनीश को बहुत प्यार करता था, दोनों पति पत्नी थे, लेकिन 3 साल से इन लोगों को कोई संतान भी नहीं हुई थी। होना का था भैया 26 तारीख की देर रात को पति का धीरे धीरे शक तो था, वो यकीन में बदल जाता है। जब 26 तारीख की देर रात को वो मजदूरी करके घर को लौटा, तो आखिरकार अपनी पत्नी के कमरे से निकलते हुए किसी युवक को देख लेता है। जब वो देखता कि कोई युवक मेरी पत्नी के कमरे से निकला है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो कुछ सोच नहीं पाता है और आखिरकार फावड़ा उठा करके पत्नी के माथे पर दे मारता है। इतनी जोर से मारता है कि पत्नी की मौत हो जाती है। हर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसके बाद होना का था, पति वहीं बैठा रहता है, आला कतल को भी अलग फेंक देता है। जिसके बाद भैया पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद परिजनों को इन्फॉर्म किया जाता है। जब परिजनों को सूचना मिला तो मृतका की चाची मालती जाती एप्लीकेशन देती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, आला कतल बरामद करती है, पति को हिरासत में लेती है और आखिरकार न्यायालय में पेश करती है, जिसके बाद पति को जेल भेज दिया गया। अब बताओ भैया, आजकल चक्कर बहुत चले लाग है, हम तो सभी को सावधान करना चाहेंगे कि भैया शक वक ना किन करो, पहले बातचीत कर लो, ईधन का कांड करोगे तो जेले जाओगे। बाकी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बड़ी खबर थी तो ये बताना आपको बहुत जरूरी था कि देखो भैया जो घटना हुई थी उसका खुलासा कर दिया गया, आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाकी दूसरी खबर देख लो। अब यह देखो, कल बाराबंकी जिले के डीएम सत्येंद्र कुमार जी मंगलवार को बैठक कर रहे थे लोकसभागार में। इस दरमियान व्यापारियों से सहयोग भी मांगा कि नगर को सुंदर और भैया अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। डीएम सत्येंद्र कुमार जी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी निर्देशित किया कि ऐसा है धनोखर सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए और साथ ही साथ भैया अगले हफ्ते से अतिक्रमण हटवाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। तो डीएम सत्येंद्र कुमार जी काफी ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं। हमने कहा आपको जानकारी दे दें कि नगर पालिका को भैया पार्किंग की व्यवस्था करनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शिवम सहजू से बात इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा दो।